बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि गाइस आज हम लोग जा रहे हैं अपने नए ट्रैक्टर की डिलीवरी लेने। और गाइस ज्यादातर लोगों ने ट्रैक्टर की डिलीवरीज नहीं देखी होंगी भाई, गाड़ी की डिलीवरी देखी होंगी, आपने बाइक की डिलीवरीज देखी होंगी, लेकिन आज हम लोग लेंगे ट्रैक्टर की डिलीवरी, नई ट्रैक्टर की डिलीवरी। तो गाइस चलते हैं और यहाँ पर गड़िया गाइस अपनी बॉक्स्टर, इसको भी लेके चलते हैं। और भाई बॉक्स्टर लेके एक सुपर कार लेके ट्रैक्टर की डिलीवरी लेने शायद कोई नहीं जाता होगा, लेकिन हम लोग जा रहे हैं भाई, देखते हैं कि उनका तो क्या तो रिएक्शन रहता है सबसे पहले, और उसके बाद में जो ट्रैक्टर है गाइस वो भी पसंद करना है, फिर उसको लेना है, तो सारी चीजें हैं, बहुत सारी टाइम बहुत कम है, अंधेरा हो जाएगा अगर ज्यादा लेट करेंगे, तो भाई फटाफट से लेके आते हैं। अभी मूड बना, मात्र 10 मिनट पहले मूड बना है कि चलो नया ट्रैक्टर लेके आते हैं। तो गाइस हम निकलते हैं फटाफट से, और चलो चलो बैठो 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 चलो भाई, ज्यादा लेट नहीं करना चाहते यार। एक तो ये लेके चलेंगे बॉक्स्टर, सफारी ले लो, नहीं नहीं और गाइस, अरे ओ भाई ओए चलो कहां पे, चलो चलो चलो, अरे चलो बस मैं कह रहा हूँ, चलो 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 आ जाओ कहां पे, अरे चलो नया ट्रैक्टर ले रहे हैं, आ जाओ मार्केट चलेंगे, खरीद के लाएंगे। कौन सा वाला? अरे तो चलो भाई देखेंगे, अब मेरे को थोड़ी पता कौन सा ले रहे हैं, जाके देखेंगे ढूंढेंगे, जो बढ़िया लगेगा वो लेंगे, लेके आ जाएंगे। चलो तो सही, इसको बंद करो, शटडाउन कर दो अभी, आ जाओ। तो गाइस आज होगी ट्रैक्टर की डिलीवरी इन सुपर कार, शुरू करते हैं फटाफट से। भाई गाड़ी के अंदर हवा कम है तो भरनी पड़ रही है अभी, और हमारी सारी गाड़ियों में हवा पता नहीं इस वाले टायर में ही कम होती है। भाई मुझे घर वालों ने कह दिया है कि जो ट्रैक्टर है वो अगर लाना है तो दिन में ही लाना, रात में मत लाना। क्यों? तो भाई अब ये चैलेंज है कि अगर लाना है तो दिन दिन में ही लाना है, यानी कि अंधेरा होने के बाद नहीं लेना। और भाई बॉक्स्टर चलाने का मौका वैसे भी कभी कभी मिलता है, तो इसलिए हमने मौका छोड़ा नहीं कि ट्रैक्टर का पता है गाइस प्लान कुछ ऐसे बना कि अपने पास में ऐसे तो कई सारे ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन गाइस सही बात बताऊं तो जब से हमने YouTube की शुरुआत करी है, जब शुरुआत करी थी ना गाइस, तो हमारे पास एक्चुअली में बजट नहीं था एक नया ट्रैक्टर लेने का, तो तब से हम बिल्कुल पुराने पुराने ट्रैक्टर्स ले रहे थे। पहला कौन सा था अपना पहला ट्रैक्टर? हमारा फोर्ड 3600 था भाई, और जो फोर्ड 3600 है वैसे तो दमदार ट्रैक्टर है, लेकिन वो ट्रैक्टर है भाई 1990 मॉडल के आसपास, इतना पुराना ट्रैक्टर था पहला, और अभी तक यूज आ रहा है। और आज गाइस हम लोग नया ट्रैक्टर लेने का प्लान बना चुके हैं, 5 मिनट में प्लान बन गया गाइस, तो यार ये होता है आप लोगों के प्यार की मदद से। और भाई इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि जो मजा आपको ऑडी में मर्सिडीज में मिलता है कंफर्ट वाला, वो भाई स्पोर्ट्स कार में नहीं मिलता यार, क्योंकि स्पोर्ट्स कार जब चलती है तो पूरा ऐसे ऐसे करती रहती है, चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो, चाहे फरारी हो, चाहे बॉक्स्टर हो, कुछ भी हो। Yes, I know. तो भाई ट्रैक्टर लेने के लिए आ चुके हैं, यहाँ पर खड़े हैं दो ट्रैक्टर, एक यहाँ पर है। ओ भाई ओए एक बात बताओ, ये तो सारे एक जैसे ही हैं गाइस एक्चुअली में यहाँ पर 3 ट्रैक्टर खड़े हैं और ये तीनों अलग हैं, लेकिन ये दिखते एक जैसे ही हैं। ये देखो भाई, एक ये ट्रैक्टर है, फिर ये देखो ये भी वैसा ही दिख रहा है, और एक ये खड़ा गाइस ये भी वैसा ही दिख रहा है, और भाई यहाँ पे भी खड़े हैं कई सारे ट्रैक्टर, एक ये खड़ा ये भी वैसा ही दिख रहा है, ये सेम ही है क्या सारे? सारे सेम, सारे सेम भाई। बात बताओ फोटो में कौन सा ट्रैक्टर बड़ी अमीर अमीर भाई, ये जो ट्रैक्टर है ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा ये नए शोरूम में खड़ा हुआ है, तो पुराना है, ये देखो वो नया लग रहा है, देखो इसका नाम है महिंद्रा 475 DI MS XP+। वो 475 था, ये है महिंद्रा 575 DI XP+, ये 575 है, ये बड़ा है उससे, ये उससे बड़ा नहीं, ये पावर में थोड़ा ज्यादा होगा, अच्छा बड़ा भी हो सकता है, उसके टायर भी मुझे बड़े लग रहा है, इसके टायर हैं 13-6-28 के टायर हैं इसके।
तो भाई ट्रैक्टर फाइनल हो गया, अभी आपको दिखाता हूँ, पहले सिग्नेचर कर लेता हूँ। और ये है भाई हमारे यहाँ की महिंद्रा एजेंसी, जिसमें यहाँ पर एक खाट, क्योंकि ट्रैक्टर लेके आए हैं तो खाट ही मिलेगी भाई, सोफा नहीं मिलेगा यहाँ पे, बहुत सारी कुर्सियाँ, कुर्सियाँ तो गिरी हुई हैं, खाट बढ़िया डाल रखी है। भाई फाइनलाइज हमने कर लिया है ट्रैक्टर इतने सारों में कंफ्यूजन में, तो अब मैं बताता हूँ कि हमने किया है कौन सा ट्रैक्टर फाइनलाइज। तो भाई वो जो ट्रैक्टर है वो है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैक्टर है जिसके अंदर आता है पावर स्टीयरिंग, इन सब के अंदर नॉर्मल स्टीयरिंग है। इधर आओ मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये नॉर्मल स्टीयरिंग है यहाँ पे ये वाला, लेकिन इसके अंदर ये सिस्टम नहीं आता, इसके अंदर आता है ये सिस्टम, ये वाला है पावर के लिए। बाकी इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको कल बताएं, क्योंकि अभी हम लोग हो रहे हैं लेट, फटाफट से ट्रैक्टर को लेते हैं और निकलते हैं, छिप दिन छिपने से पहले शायद लेट हो जाएंगे पहुँचने। मम्मी मुझे ट्रैक्टर चलाना है। पर शोरूम वाले भैया चाबी नहीं दे रहे हैं। तो भाई ये मिल गया ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा है यहाँ आने के बाद में? मुश्किल से 10 मिनट बस हो गया काम। गाइज ये है ट्रैक्टर की असली चाबी, वो तो बड़ी थी, ये चाबियां हैं दो और दो ये चाबियां जिन पे महिंद्रा लिखा है। ये चार की सीधी है, ट्रैक्टर स्टार्ट करने की। ये तो मेरे को पता है, दोनों ट्रैक्टर स्टार्ट की। ये डीजल की टंकी है ना, अच्छा डीजल टंकी की अलग चाबी है, लाट होती है इसकी। अच्छा इससे नहीं खुलेगा ये? इससे नहीं खुलेगा, इससे खुलेगा। अच्छा तो भाई दो डीजल की टंकी की चाबी है और दो है ट्रैक्टर की चाबियां। इसी तरह करते हैं गाइस, अब ट्रैक्टर को स्टार्ट और देखते हैं कि ये क्या सामान करता है। जय श्री राम। चल गई, चल गई। भाई आज है अगला दिन और ट्रैक्टर का पूजन हो चुका है, वहाँ खड़ा हुआ, अब इसको मंदिर लेके जाएंगे। और यहाँ पर बॉक्स्टर खड़ी है गाइस, इसको भी मंदिर लेके जाएंगे, क्योंकि बॉक्स्टर को भी हम लोग मंदिर नहीं लेके गए थे, तो दोनों को एक साथ लेके जाएंगे, दोनों लाल लाल हैं। तो भाई गाड़ी और ट्रैक्टर को लेकर के हम लोग आ चुके हैं मंदिर, और अब जो है यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इनको भी आशीर्वाद दिलाते हैं। गाइस आज तो हम लोग ट्रैक्टर के लिए आए थे और साथ ही साथ में बॉक्स्टर के लिए भी। चलो भाई
तो गाइज वापस आ चुके हैं और अपने ट्रैक्टर को लेकर के, बॉक्सर को भी लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस ब्लॉग के अंदर। अभी गाइज मैं हाजमोला खा रहा हूँ इसलिए मेरे मुंह से थोड़ी ही ऐसी आवाज आ रही है। सब लोग लाइक कर देना ब्लॉग के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त मस्त ब्लॉग्स आने वाले हैं भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।